तो युधिष्ठिर जी का एक बड़ा अनोखा नियम था। युधिष्ठिर जी की ऐसी आदत पड़ गई थी कि कहीं भी कोई भी पीली वस्तु देखते थे ना, तो पीली वस्तु को देखते ही उनको भगवान कृष्ण की याद आती थी। कुछ भी पीला देखते थे उनको कृष्ण के पीताम्बर की याद आती, और पीली वस्तु को देखते ही युधिष्ठिर जी के मुख से निकल जाता था कि जय हो द्वारिकाधीश, आपकी जय हो, जय हो। कुछ भी पीला देखा। ये बात जब शकुनी को मालूम चली तो शकुनी का दिमाग तो बड़ा खुराफाती। शकुनी ने एक काम किया, उसने एक गधे को पीला कपड़ा उड़ाया और गधे को ले जाकर दरबार में खड़ा कर दिया। और शकुनी सोचने लगा कि जब युधिष्ठिर ये पीला कपड़ा देखेगा तो उसके मुख से निकलेगा जय हो द्वारिकाधीश, आपकी जय हो, तुरंत मैं कपड़ा हटाऊंगा और अंदर से गधा निकलेगा, ऐसा शकुनी ने सोचा। अब गधे के ऊपर वो पीला कपड़ा, पीली चादर ढक के उसे दरबार में लाकर खड़ा कर दिया। जो युधिष्ठिर जी ने देखा पीला वो वस्त्र, तो तुरंत मुख से निकला जय हो द्वारिकाधीश, आपकी जय हो। जो ऐसा कहा शकुनी ने झट कपड़ा खींच लिया गधे के ऊपर से, और भैया जो कपड़ा हटाया तो अब अंदर से गधा नहीं निकला, साक्षात मुरली मनोहर प्रकट हो गए। प्रेम से कहो श्री राधे, भगवान की नाभि से कमल निकलता है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और फिर ब्रह्मा जी सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सृष्टि में अपने चार पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। भगवान के ही अवतार थे। ब्रह्मा की ब्रकुटी से साक्षात भगवान रुद्र, जो शिव के अवतार हैं। बोलो रुद्र भगवान की जय। ब्रह्मा जी के ही अंग से 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि को विश्राम दिया, सोच तो मानवी सृष्टि आगे बढ़नी चाहिए, तो सृष्टि को बनाने के लिए ब्रह्मा ने बहुत अच्छा काम किया। अपने ही शरीर के 2 हिस्से किए हैं, एक ओर से मनु जी को प्रकट किया ब्रह्मा ने, दूसरी ओर से शत्रुपा जी को प्रकट किया अपने ही शरीर से, और स्वयं ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया है। मनु और शत्रुपा दोनों का विवाह करा दिया। मनु जी को कहा कि बेटा मनु अब तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो मनु जी ने कहा कि पिताजी आपकी सृष्टि तो जल में है, लेकिन मेरी सृष्टि को पृथ्वी की आवश्यकता होगी, आप मुझे पृथ्वी लाकर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं पृथ्वी कहां से लेकर आऊं, क्योंकि देखो उस समय 2 दैत्य हुए थे, ये दोनों दिति के पुत्र थे, पहले हैं हिरण्याक्ष और दूसरे थे हिरण्यकश्यपु, ये आदि दैत्य हुए हैं। अब हिरण्याक्ष का इतना प्रभाव था, ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत थी इसके अंदर कि ये हिरण्याक्ष सारी पृथ्वी को खींचकर रसातल में ले गया था। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कौन पृथ्वी का उद्धार करेगा, कैसे पृथ्वी का उद्धार हो, कौन पृथ्वी को लेकर आए। सोच ही रहे थे उतने में ब्रह्मा जी को छींक हुई, जोर से छींक आई। ब्रह्मा के नाक से एक कीड़ा निकला और उसने देखते ही देखते विशाल रूप धारण कर लिया और भगवान का अवतार हो गया। बोलो 12 देव भगवान की जय। साक्षात 12 भगवान प्रकट हो गए। 12 भगवान की देवताओं ने स्तुति की, जय जयकार की है। 12 भगवान गए थे जाकर सीधे रसातल में हिरण्याक्ष का वध किया प्रभु ने, और अपनी डाढ़ पर पृथ्वी को रखकर लेकर आए हैं। लाकर भगवान ने पृथ्वी श्री ब्रह्मा जी को दी है। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लेकर मनु जी को दी और मनु जी ने मैथुन धर्म से अब सृष्टि का विस्तार किया है पृथ्वी पर। मनु जी की 5 संतान हुई, आप लोग ध्यान देकर सुनिए। 5 संतान थी मनु जी की। सबसे पहले तो 2 पुत्र उत्पन्न हुए, 2 बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 बेटियां थी मनु जी की, आकुति, देहूति और प्रसूति। 5 संतान थी। इनमें से बंधुओं जो देहूति नाम की बेटी थी,
सबसे पहले भागवत में इनकी कथा आई है। जिन देहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था, ये कर्दम जी ब्रह्मा की छाया से ही प्रकट हुए थे, ब्रह्मा के ही पुत्र हैं। देहूति का विवाह कर्दम ऋषि के यहाँ हुआ था। जिन कर्दम जी के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ और फिर अंत में 10वीं संतान के रूप में भगवान स्वयं ज्ञान अवतार लेकर आए हैं, कपिल बन के आए हैं। बोलो कपिल देव भगवान की जय। कपिल अवतार भगवान ने लिया है। बहुत सुंदर ये भागवत का प्रसंग है। कपिल भगवान ने अपनी माँ देहूति को भागवत में बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश किया है, लेकिन अपनी ओर से ज्ञान नहीं दिया था। भगवान इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी माँ देहूति मेरे पास आएंगी, तब मैं अपनी माँ ज्ञान उसी को देना चाहिए जो वास्तव में ज्ञान को लेना चाहे, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब ऐसे आप कितना भी किसी को ज्ञान देते रहो, लेकिन जब तक सामने वाला लेना ही नहीं चाहेगा तो देने का क्या फायदा। जब तक सामने वाला श्रद्धा से न कहे कि हमको आप ज्ञान दो, तब तक ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तभी पचता है जब हम ज्ञान को स्वीकार करते हैं, धारण करते हैं, जीवन में उतारते हैं। तो आज भगवान भी इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी माँ आएगी और मेरे से ज्ञान मांगेगी, तो मैं उनको ज्ञान दूंगा। एक दिन आ गया, देवूति आई और भगवान कपिल के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर माँ ने आज प्रार्थना की है। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। देवूति जी कह रही हैं भगवान को कि तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। देहूति आई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहती हैं कि प्रभु अब मैं आपकी शरण हूं, शरण हूं। तम त्वा गता शरण्यम, हे भगवान, मैं इस संसार को झेलते झेलते अब थक गई हूं, अब मैं तंग हो चुकी हूं, अब मुझे ये संसार का संबंध अच्छा नहीं लगता। आप मुझे ज्ञान दो, क्योंकि अब तक केवल अपना बेटा, मुझे पूरा पक्का भरोसा हो गया है कि आप केवल मेरे बेटे नहीं हो, आप तो कोई भगवान का अवतार हो। क्योंकि जब मैं संसार की ओर देखती हूं तो मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, और भगवान जब मैं आपकी ओर देखती हूं तो मुझे एक ज्ञान का प्रकाश दिखाई देता है। तो हे कपिल, आप मेरे ऊपर कृपा करो, आप मेरे इस दुख को दूर करो। अब इस संसार में मैं इन दुखों को झेलते झेलते थक गई हूं, बहुत दुखी हो गई हूं। तो मानो आज देहूति की यही प्रार्थना भगवान के चरणों में है। आइए हम भी कपिल भगवान के चरणों में, उन बांके बिहारी के चरणों में यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे भी दुखों को दूर करें। कि बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, 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 ओ गिरवर धारी करो दुख मेरा, गिरवर धारी रे कहिए सभी प्रेम से, दूर करो दुख मेरा प्यारे, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा प्यारे, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा प्यारे, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा प्यारे, दूर करो गाइए प्रेम से, ओ
बाबा के बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। ओ गिरवर धारी रे प्यारे, दूर करो दुख मेरा, गिरवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरी शरण में आवे, उसके दुखड़े सब मिट जावे। सुना है जो तेरी शरण में आवे, उसके दुखड़े सब गाइए प्रेम जावे। सुना है जो तेरी शरण में आवे, उसके दुखड़े सब मिट जावे। इसीलिए मैं आई शरण तिहारी रे प्यारे, दूर करो दुख मेरा। मैं आई शरण तिहारी रे प्यारे, दूर करो दुख आइए ओ बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा प्यारे, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा प्यारे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। ओ गिरवर धारी रे प्यारे, दूर करो मेरा गिरवर धारी रे, दूर करो। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से जय हो, जय हो। श्री राधे प्रभु। सारी दुनिया की ठुकराई, अब तो तेरी शरण में आई। सारी दुनिया की ठुकराई, अब तो तेरी शरण में आई। सारी दुनिया की ठुकराई, अब तो तेरी शरण में आई। सारी दुनिया की ठुकराई, इसलिए मेरी लाज रखो बनवारी रे प्यारे, दूर करो दुख मेरा। मेरी लाज रखो बनवारी रे प्यारे, दूर करो दुख मेरा ओ बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो। गाइए प्रेम से ओ गिरवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा गिरवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा। मीरा अहिल्या कणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारी। मीरा अहिल्या कणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारी। हे प्रभु, आपने तो मीरा को भी पार लगाया, आपने अहिल्या का भी उद्धार किया, तो अब मेरी ओर आप क्यों नहीं निहार रहे हे बांके बिहारी। मीरा अहिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारी। मीरा अहिल्या गणिका
का नारी सब ही तुमने पार उतारी ऐसे नहीं, पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से हरि बोल हरि बोल आपके बिहारी लाल की मुकुट पीतांबर धारी संग में है श्री राधा प्यारी मुकुट पीतांबर धारी संग में है श्री राधा प्यारी ओ मोर मुकुट पीतांबर धारी संग में है श्री राधा प्यारी मोर मुकुट पीतांबर धारी संग में और इसीलिए इन दोनों की बले हारी रे प्यारे दूर करो दुख मेरा इन दोनों की बले हारी रे प्यारे दूर से ओ बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा ओ गिरवर धारी रे करो दुख मेरा गिरवर दूर करो दुख मेरा प्यारे दूर करो दुख मेरा दूर करो दुख मेरा प्यारे दूर करो दुख मेरा ओ दूर करो दुख मेरा प्यारे दूर करो दुख मेरा दूर करो बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा रहो गिरवर धारी रे दूर करो दुख मेरा गिरवर धारी रे दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा गिरवरधारी रे दूर करो दुख मेरा गाइए दूर करो दुख मेरा प्यारे दूर करो दुख मेरा दूर करो दुख मेरा प्यारे दूर करो दुख मेरा ओ दूर करो दुख मेरा प्यारे दूर करो दुख मेरा दूर करो दुख मेरा प्यारे दूर करो दुख मेरा ओ गिरवर धारी रे दूर करो दुख मेरा ओ बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा ओ गिरवर धारी रे
गुरु बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। तो इस प्रकार से बंधुओं श्री देवहूति जी ने भगवान की स्तुति की है और स्तुति करके यही प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे शांति मिले, अब मैं आपकी शरण हूं। तो कपिल भगवान कहते हैं कि मां केवल एक उपाय है, आप संग करिए। देवहूति जी ने कहा कि कपिल अब तक मैंने संग ही तो किया था, पैदा होने के बाद पहले मां बाप का संग हुआ, मां बाप का संग छूटा तो फिर पति का संग हुआ, बच्चों का संग हुआ, आज तक मैंने संग ही तो किया लेकिन मुझे तो शांति नहीं मिली। तो भगवान कहते हैं कि मां यही तो आपने भूल की, अब तक आपने जो संग किया वो संसार का संग किया और संसार का संग कभी शांति नहीं दे सकता, क्योंकि संसार का जो संग है वो केवल संग है और वही संग यदि थोड़ी देर के लिए भी किसी संत के चरणों में हो जाए तो फिर वो संग नहीं रहता, वो सत्संग बन जाता है। तो अब तक आपने संग किया लेकिन अब आप सत्संग करो, मां सत्संग करो।